वेलकम टू रोशनी की दुनिया। चलो बनाते हैं गर्मियों में ठंडक देने वाली चार शरबत की रेसिपी। इसमें हम बनाएंगे सत्तू का जूस, जो कि बिहार में बहुत फेमस होती है, रूह अफ़ज़ा जो सबको ठंडक पहुंचाएगी, सिकंजी और टैंकर जूस। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं सत्तू का शरबत। इसको बनाने के लिए मैंने ये सत्तू का पैकेट लिया है, जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक गिलास में 2 स्पून सत्तू डालेंगे, 1 स्पून शुगर डालेंगे, 1/2 स्पून काला नमक डालेंगे, 1/2 नींबू निचोड़ लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। आइस क्यूब डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। हमारे सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब बनाते हैं रूह अफ़ज़ा का शरबत। एक बड़े बर्तन में 1 स्पून शुगर डालेंगे, 1/2 गिलास वाटर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। हम स्पून की सहायता से तब तक मिलाएंगे जब तक हमारी शुगर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। 1 नींबू को बीच से काट लेंगे। 1 गिलास में इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे, इसमें शुगर वाला पानी ऐड करेंगे, नींबू को निचोड़ लेंगे, इसे मिक्स करेंगे। आइस क्यूब डालेंगे, पानी डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालकर मिक्स कर देंगे। हमारा ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत बनकर तैयार हो गया। अब बनाएंगे हम सिकंजी। 1 गिलास लेंगे, इसमें 2 स्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 चुटकी चाट मसाला डालेंगे, काला नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नींबू निचोड़ लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स। आइस क्यूब डालेंगे और फिर से पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमारा सिकंजी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए बनाते हैं अब टैंक जूस। यहाँ मैंने टैंक का एक छोटा पैकेट लिया है, इसको हम काट लेंगे। हम इसे शुगर वाले पानी में ऐड करेंगे, नींबू को निचोड़ लेंगे, इसे मिक्स करेंगे। एक गिलास लेंगे, इसमें आइस क्यूब डालेंगे और इसमें हम शरबत डाल देंगे। हमारा टैंक शरबत बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से ठंडे ठंडे शरबत को बनाओ और पियो और पूरे परिवार को पिलाओ।